नहीं है, जल्दी आ जा। तो ये अभी न्यूकासल का आज मैच है, तो यहाँ पे देख रहे होगे कि लोग ऐसे यहाँ पे मतलब पागल हो गए, सारे बियर गार्डन्स में भरे पड़े हैं और पाइंट इनका चल रहा है अभी काम। तो ये तो सिर्फ मैच के सीन्स है क्योंकि आज मैच है, लेकिन नॉर्मली भी काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे, क्योंकि ये जो पाथ अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं वो नॉर्थ अम्बिया और न्यूकासल को कनेक्ट करता है, न्यूकासल यूनिवर्सिटी को। तो बहुत मतलब बहुत क्राउडी रहता है, बहुत बिजी रहता है, और जो भी हैपनिंग चीज़ें होती हैं यहाँ पे। व्हाट मैच इज इट टुडे, न्यूकासल वर्सेस कल कोई मैच है आज, तो उसके लिए लोग पागल हो रखे हैं वैसे भी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं न्यूकासल यूनिवर्सिटी में, और न्यूकासल यूनिवर्सिटी का टूर अभी यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। आज न्यूकासल वर्सेस आर्सेनल मैच था, अभी हमने गूगल किया तो हमें पता चला, और बहुत सारी भीड़ आई हुई है आज टाउन में, भीड़ दिखने भी है वाली है। टाउन मतलब ये जो है हे मार्केट है, हम लोग जहाँ पे अभी है, ये हमारे पीछे जो है वो हे मार्केट मेट्रो स्टेशन है, और उसके लेफ्ट साइड में थोड़ा सा जाते हैं तो बस स्टैंड आता है, इधर बस स्टैंड। तो पूरा कोई भी न्यूकासल में कहीं पर भी रह रहा हो, यू हैव द बेस्ट कनेक्टिविटी टू हे मार्केट। सो नॉर्थम्ब्रिया भी अगर आपको आना है तो भी बहुत बच्चे हे मार्केट ही आते हैं क्योंकि उन्हें कन्वीनियंट पड़ता है ज्यादा। बराबर। तो अभी हम लोग न्यूकासल यूनिवर्सिटी बिल्कुल सामने हमारे, और ये मॉन्यूमेंट का नाम क्या? ये कोई कैथेड्रल है, ये हमारे पीछे हे मार्केट का मॉन्यूमेंट है। अच्छा, ये हे मार्केट का मॉन्यूमेंट है, ओके। और ये जो है हाँ। वो सामने जो कैंपस दिख रहा है वहाँ पे आपने आपका बीआरपी कलेक्ट करने आना होता है। तो जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो दो ऑप्शन होते हैं, ईदर कलेक्ट योर बीआरपी फ्रॉम पोस्ट ऑफिस और कलेक्टेड फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी। सो व्हेन यू ऑप्ट फॉर यूनिवर्सिटी ऑप्शन, दिस इज वेयर यू विल कम टू कलेक्ट योर बीआरपी, किंग्स गेट कैंपस। अभी हम वहाँ से जाएंगे एंड इट कनेक्ट्स द मेन कैंपस एज वेल। सो जो मेन कैंपस है जिसकी हम गूगल पे फोटोज देखते हैं, वो जो बड़ा सा गेट होता है जब हम न्यूकासल यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं, तो फिर अभी हम उस साइड पर जाने वाले हैं। और काफी पुरानी और बहुत आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है न्यूकासल की, मतलब बहुत अच्छा एक वाइब है। जैसे हमने नॉर्थम्ब्रिया का कैंपस देखा, थोड़ा सा मॉडर्न वाला मॉडर्न था, बट यहाँ पर जैसे हम एक आते ना वो बोल सकते हैं हैरी पॉटर फैंस जो होते हैं, एक पुराना सा फील होता है भाई। हैरी पॉटर भाई, मैं जो यूनिवर्सिटी जाता हूँ ग्लासगो, तो आया कभी ग्लासगो? वहाँ आएगा तो वहाँ पे तो प्रॉपर ऐसी हैरी पॉटर वाइब आती है। ये वैसा है क्या, तो वैसा बोल रहे हैं क्या? ये तो अभी हम जो कैंपस देख रहे हैं ये बहुत नया कैंपस है, नया वाला कैंपस। तो ये तो एडमिन से रिलेटेड और भी एक चीज बताता हूँ, जिन्हें समर वेकेशंस में फुल टाइम करना होता है जैसे, तो वो यहाँ पर आके अपना लेटर बनवा सकते हैं, साथ में अपने सीवी के लिए, वो 40 घंटे वाला, हाँ, साथ में अपने सीवी के लिए होता है कि यार आपको सीवी डेवलप कराना है तो आप 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो। यहाँ पर प्राइवेट हेल्पर्स होते हैं आपके, तो यूनिवर्सिटी से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रहते हैं, 1-to-1 आपको हेल्प करते हैं आपका सीवी में, जॉब हंटिंग में एंड डेवलपिंग योर स्किल्स। तो कैंपस की जो जगह है भाई, एक बहुत ही ब्यूटीफुल, छोटा सा सामने गार्डन बना हुआ है तो बंदा आ जाए, और अंदर भी बहुत जगह कम नहीं है बैठने की, तो बट स्टिल किसी को ऐसा लगता है कि यार मुझे यूनिवर्सिटी के एरिया से थोड़ा बाहर आना है, तो ये सामने की साइड पे आकर गार्डन में बहुत सारे कपल्स भी बैठे होते हैं। आज काफी भीड़ आ रही है उधर सामने की साइड से, बसेस अभी भरने वाली है, और अगर हम 5-6 बजे की तरफ अगर यहाँ पर रहे तो मैं एक बार स्टेडियम की साइड ले जाकर, मतलब न्यूकासल का फैन बेस इतना बड़ा है, ये टाउन ऐसे आप देखोगे तो बहुत आपको लगेगा खाली है। पूरा शहर बाहर निकल के आता है। सो ये हमारे बैक साइड में हम आ गए किंग्स गेट पर, ये उसका मेन एंट्रेंस है जो दिखा रहे थे जब ये वहाँ दूर से, ये अभी पास से दिखा रहे किंग्स गेट, इसका एंट्रेंस है। अभी कहाँ जा रहे हैं, अभी कहाँ क्या होता है यहाँ पे, एडमिन वाला काम है सारा? हाँ, यहाँ पर सारा एडमिन वाला काम, 1-to-1 सेशंस, बीआरपी कलेक्शन, लेटर चाहिए आपको, आपकी तबीयत खराब या कुछ भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एडमिन काम है। सो इसके दो फ्लोर हैं, 2 या 3 आई गेस, तो वहाँ पर वो दोनों काम होते हैं। एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मेन कैंपस जो बिल्कुल हमारे सामने स्टेयर्स चढ़ते ही, ये देखो जिसका फोटो आता है, फोटो आता है। अच्छा, तो हम भी लेंगे फिर। सो वो जो पीछे हमारे वॉल्स दिख रही हैं वो उस साइड से, तो वो पूरी मेन यूनिवर्सिटी है। और अभी हम अंदर जाएंगे तो वहाँ का एक वाइब भी आप लोगों को समझ आने वाला है कि कैसा सा वाइब जो था मैं जिसकी बात कर रहा था। सो द मोर वी मूव टूवर्ड्स दैट हमें समझ आता जाएगा कि कैंपस कैसा है और क्या डिफरेंस है। और यहाँ पर नॉर्दर्न स्टेज करके एक इन्होंने ये बना रखा है, इट्स कैफे, नॉट मोर ऑफ अ क्लब, बट क्लब भी है एक यहाँ, बार होगा अंदर, बार भी होगा। एक यहाँ पर क्लब और बार भी है स्पेसिफिकली, ये तो कैफे है, सारे यूनिवर्सिटी में होता ही होगा। हाँ, तो एक यहाँ पे पूरा सेक्शन बना हुआ है खाने पीने के लिए, यूनिवर्सिटी के अंदर पब है यहाँ पर प्रॉपर। हाँ, ये एक चीज है जो मेरे को मतलब यूके के यूनिवर्सिटीज के बारे में पसंद आती है,
कि भाई हर जगह ना तुमको बार मिल जाएंगे, बार काउंटर, क्लब मिलेंगे, इतना सेक्सी एनवायरनमेंट। हमारे कॉलेज वाले बोलते हैं साले दारू पिएगा बियर पिएगा, रुक जा तेरे बाप को फोन लगा। और कोई एकेडमिक कुछ हो भी रहा ना इवेंट, ये एनयूएसयू की एक छोटी सी बिल्डिंग है, न्यूकासल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन। तो एक खास बात बताना चाहूंगा मैं, स्पेशली जो इंडियंस आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको कपड़े वगैरह और वो सब तो मिलते ही है। न्यूकासल की एक छोटी सी शॉप भी है अंदर, बट ये इनके एक जो NUSU है, इनके छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हर कम्युनिटी के लिए। okay. जैसे एशियंस के लिए अलग है, इंडियंस के लिए अलग है। तो यहाँ पर एक बहुत फेमस सोसाइटी है HASS, हिंदू एंड सिख सोसाइटी। ओह नाइस। तो वो सारे इवेंट्स आपके ए टू जेड अरेंज करती है, दिवाली, होली, नवरात्रि, गरबा, जितना भी ए टू जेड हमारे फेस्टिवल्स हैं वहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं। तो यहाँ पे इंडियन सोसाइटी नहीं अलग से सिर्फ, ये हिंदू एंड सिख सोसाइटी बनी हुई है एक। अच्छा। तो दोनों की कंबाइन होकर बनी है। okay. तो उसमें क्या होता है, क्राउड भी ज्यादा इंडल्ज हो पाता है और आप मिल भी पाते हो, और काफी हमारा मतलब रेलिवेंट कल्चर है, तो कभी भांगड़ा हो रहा है, कभी गरबा हो रहा है, सब लोग उसमें इंक्लूड होते हैं। इवन ये हमारा मेन कैंपस है पूरा, इस साइड पे दूसरी बिल्डिंग है फेड, आई गेस दो तीन नाम है, मैं भी मेरे माइंड से स्लिप हो गए, आई एम सॉरी, बट फ्रेडरिक डगलस, हंसलो, ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स है। okay. और यहाँ पर छोटी लाइब्रेरी भी है, द बॉयलर हाउस इसको बोलते हैं, कि ये जो छोटी सी बिल्डिंग है ये जो दिख रहा है ऊपर, और ये हमारा जो वो मेन वॉल होता है यूनिवर्सिटी का, और ये क्रॉस करते ही हम कैंपस के अंदर और जा रहे हैं। okay. अब यहाँ पे हॉलो, जैसे हम गुफा में आते हैं वैसी आवाज आती है हमारी, और उस साइड पर पर्सी बिल्डिंग करके है, और एक छोटी सी ओल्ड लाइब्रेरी भी है यहाँ पर ही, और ये एडवर्ड बिल्डिंग है फाइन आर्ट्स के लिए। ओके। और बिजनेस कैंपस जो है वो एग्जैक्टली सेंट जेम्स स्टेडियम के सामने है। अच्छा। तो जो भी बिजनेस वाले हैं उनकी कुछ क्लासेस यहाँ पर होने वाली है, बट सारी क्लासेस यहाँ पर नहीं होने वाली है। ओके। क्योंकि बिजनेस कैंपस एक जो है न्यूकासल का, वो इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दिस प्लेस। पूरा कैंपस चलता जा रहा है, ये भी बिल्डिंग उनकी है, वो भी उनकी है। हाँ, ये जो जितनी भी सेम कलर वाली बिल्डिंग्स है ये सारी न्यूकासल। इवन ऑन दिस साइड दूसरे कलर वाली बिल्डिंग्स भी उनकी है। तो ये काफी फैला हुआ कैंपस है, बड़ा कैंपस है। और ये लथर्स हमारा वो है स्टूडेंट यूनियन का बार है। ओके। और ये चिकन शैक अभी क्लोज है क्योंकि इट्स डेफिनेटली संडे टुडे एंड बैंक हॉलीडे वाला वीकेंड आया हुआ है, सो That is closed. हाँ। But अगर आपने क्लब का एक छोटा सा ग्लिम्स देखना है तो हम अंदर ले जाते हैं। चलो। और this is the area where we chill out. If you like to have some drinks, beer, pints, बहुत ज़्यादा stress हो गया assignment से, तो आओ pint के मारो। Come here, chill and sleep. Depression में नहीं जाने का, family को miss कर रहे हो, तो this ये छोटा सा area बैठने का। बस। और ये तुम्हारा है बार सेक्शन, स्क्रीन्स लगी हुई है, थोड़ा म्यूजिक चलता है। आज यहाँ पे हम लोगों की प्राइवेसी ज्यादा खराब नहीं करेंगे क्योंकि वी आर डायरेक्टली कमिंग विद द कैमरा एंड इन सम ऑफ द कैंपसेस नीचे नॉट अलाउड। नीचे जो एक है ऑडिटोरियम सा होता है, यहाँ पे म्यूजिक कॉन्सर्ट, स्टेट बोर्ड कॉन्सर्ट, सो ये यहाँ पर है कि प्लीज हैव योर टिकट रेडी। सो यहाँ पे जितने भी ऐसे इवेंट्स होते हैं उनका पता लग जाता है पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। लाइव म्यूजिक इवेंट्स होते हैं, स्केटबोर्डर्स आते हैं। अब ये देखो, ये इसमें ये पूरा स्कर ये दिया हुआ है, कितनी स्टोरीज है, माइनस थ्री तक जाता है, मतलब माइनस थ्री तक यहाँ पे स्टोर्स भी हैं। ये बार है, ये यहाँ पर सबवे और डोमिनोज, लथर्स बार, ये हम लोग अभी माइनस वन पे, हम माइनस वन पर है, जीरो पर ये सारी चीजें हैं, रिप्रेजेंटेशन एंड डेमोक्रेसी एंड क्लब्स एंड सोसाइटीज, ये सारा भाई आप पॉज करके देख लेना एक बार, आप ऐसे प्रॉपर दिखा दो। पांच छह फ्लोर की तो बिल्डिंग है एक्चुअली। सो काफी अच्छा सा यार एक पैटर्न है, हर यूनिवर्सिटी का एक अपना वाइब है, वाइब है, सही बात है। तो आप किसी को ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि यार ये यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है या वो अच्छी नहीं है। हर यूनिवर्सिटी का अपना ऑरा है, बहुत अच्छा ऑरा है, हर उसका अपना कुछ वाइब है। तो ऐसा नहीं है कि आप न्यूकासल भी आओगे तो बोर हो गए या पैसे ज्यादा लग रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी आपको अपनी अपनी क्वालिटीज प्रोवाइड कर रही है, अपने अपने प्रोज है, अपने अपने कॉन्स है। तो ये कैंपस काफी ओल्ड है, तो जो थोड़े हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन्हें बड़ा अच्छा सा कोजी सा फीलिंग आता है यहाँ पे। और मतलब और एक बात बताऊं, माइंड टाइप सा कैंपस मेरे को ना ये न्यूकासल का, स्पेशली नॉर्थ इंडिया से भी ज्यादा न्यूकासल का जो कैंपस है काफी ना ऐसा वार्म लगा, मस्त, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ अच्छी वाइब है, अच्छी लोग घूम रहे हैं। और मैं लिटरली अभी मैं बात भी कर रहा हूँ ये बताते हुए क्योंकि मैं खुद भी यहाँ का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को एक थोड़े से गूज बम्प्स से आते कि यार ये नई मेरी यूनिवर्सिटी है। तो मैंने यहाँ से पर्सनली अपना एजुकेशन कम्प्लीट किया है, तो एक प्राउड फैक्टर होता है यार, नहीं दिस इज अ गुड प्लेस, आई हैव स्पेंड माई टाइम हियर देयर एंड एवरीवेयर आई थिंक इन न्यूकासल।
सो यही हमारा काइंड ऑफ मेन कैंपस था. सॉरी हम सारी बिल्डिंग्स तो कवर नहीं कर सकते एक वीडियो में, लेकिन वी आर गिविंग यू ओवरव्यू ऑफ द प्लेस जो ज्यादातर आपको जहाँ से आना जाना है. एंड छोटी छोटी आपकी बिल्डिंग्स होंगी क्योंकि वो मुझे भी नहीं पता है, सप्लाई चेन का मेरी थी तो मेरे को जो चार बिल्डिंग्स पता थी वो बताई मैं आसपास आपको ले गया. जैसे ये बॉयलर हाउस के आसपास अंदर जाके एक प्लेस है, वहाँ पर हमारा कोरोनेशन जो सेरेमनी होती है, जो हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी बोलते हैं जिसको, तो वहाँ पर होती है. उससे यहाँ पर से हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके उस तरफ जाना था और वो अंदर एक बड़ा सा ऑडिटोरियम सा हॉल सा बना हुआ है जहाँ पे हमने एग्जाम्स दी थी. तो यार अब थोड़ा कैंपस और बहुत सारे 3D वीडियोस भी अवेलेबल है न्यूकासल के, आप गूगल पे देखोगे तो पूरा 3D कैंपस टूर आपको मिल जाता है देखने के लिए. तो ये हमने एक आपने एक होता है ना कि रियल दिखाना और 3D में देखना इज डिफरेंट. तो यहाँ पर आने का मेन मोटिव हमारा ये था कि आपको एक रियल वाइब क्या है एक्चुअली, रूबरू कराया आपको एकदम न्यूकासल की यूनिवर्सिटी से और कैंपस से कि कैसा लगता है और क्या वाइब्स है यहाँ पे. मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, जबकि यहाँ पे आज संडे तो भी ऐसा लग रहा है कि मतलब है कुछ तो यहाँ पे. लोग ऐसे आ रहे जा रहे, थोड़े बहुत स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, बहुत हैपनिंग सा होता है. एक में 8th और एक में 1st क्यों लिखा है इन्हें, बट वो कुछ अलग अलग ये होंगे कुछ आई गेस इन्होंने 22-23 क्या लिखा है, नहीं 2022 ही लिखा है, लेकिन बट हो सकता है दो अलग अलग डिपार्टमेंट की रैंकिंग्स हो, कोर्सेज की भी होती है हर उसमें. हाँ सस्टेनेबिलिटी में न्यूकासल इज इवन हायर देन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. अच्छा, तो उसमें सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स का ये लगा हुआ है एक छोटा सा. तो न्यूकासल का सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट में रैंकिंग हार्वर्ड को भी ओवरराइड कर चुका है. और इसके हमारे कोई कॉलेज के मतलब यूनिवर्सिटी के शायद डायरेक्टर या किसी ने पोस्ट डाली थी, तो आई एम अवेयर अबाउट इट कि उससे भी अच्छा सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट है यहाँ पे. सो ऐसे कोर्सेज के लिए अगर कोई आ रहा है, इट्स वेरी वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल एनर्जीज एंड सच कोर्सेज, एंड इट्स हाईली इन डिमांड नाउडेज इन यूके. सस्टेनेबल एनर्जी, ऑयल गैस सबसे ज्यादा, दूसरे कोर्स के भी बच्चे, इवन दूसरे कोर्स के भी बच्चे उसमें जॉब करने लग जाते हैं क्योंकि इतनी उसकी जॉब मार्केट में अवेलेबल है. बस तो यही है हमारा, एक बार टाउन का ओवरव्यू देना है आपको यहाँ से तो दे दो आप. ये ऐसे आप जब निकलोगे, वैसे तो कैंपस काफी बड़ा है, ये पूरा कैंपस ही है. तो वो ये सामने नॉर्थम्बरलैंड स्ट्रीट है, देखो पूरा क्राउड दिख रहा है, वो नॉर्थम्बरलैंड, दैट इज सिटी सेंटर, पूरा क्राउड जो जा रहा है सामने की तरफ. दिस वाज द टूर ऑफ न्यूकासल यूनिवर्सिटी. अगर आपको पसंद आया हो टूर फ्रॉम द आईज ऑफ ऋषभ सरदाना एंड इंडी ट्रैवलर, तो प्लीज गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग इंडी ट्रैवलर चैनल. Bye.